वाला भी ऑफ करना है, पीछे वाला सफर सफर तो वैसे पैदा होता ही शुरू हो गया था लेकिन हाँ डांसिंग से मैंने शुरुआत करी इंडस्ट्री में, मुंबई में डांसिंग से शुरुआत करी। और शुरू में मैं आया डीआईडी में, ऑडिशन लिया, ऑडिशन हुआ मेरा, फिर ऑडिशन लेके मैं मेरे को बाहर निकाल दिया। फिर पब्लिक की वजह से यूट्यूब में एक दिन में मतलब दो दिन में व्यूज़ मिलियन व्यूज़ फिर ऐसे हुए, फिर मेल्स गए जी टी वी को, टीआरपी नीचे गई, तो उन्होंने मुझे वापस बुलाया शो में। और फिर वापस मैं आया शो में, फिर सब कुछ बदल गया एकदम, फ्लिप आउट होगी लाइफ। और वहाँ से फिर मैं डांसर हुआ, डांसर के बाद मैं कोरियोग्राफर मेंटर मेंटर था बच्चों का, मॉम्स के काफ़ी शोज मैंने मेंटरिंग करी। उसके बाद एक्टिंग मेरे अंदर थी, पता था मेरे को, तो ऑडिशन हुआ मेरा सोनाली केबल के लिए, वेरी बिग फ्लॉप है बट स्टिल मुझे सबसे ज़्यादा उस मूवी से सीखने को मिला सोनाली केबल से, और जो चीज़ मेरे को ABCD2 में भी काम आई एज एन एक्टर। और यही अभी चल रहा है सफ़र, अभी तो अभी बहुत आगे जाना है यही। मेरे को सिनेमा, मेरे को एज एन आर्ट बहुत पसंद है सिनेमा, एज एन मैं हमेशा जो चीज़ करता हूँ वो एज एन आर्ट करता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे बड़े पर्दे पे या फिर मुझे आईफा जाना है या मानिक, समझो मतलब मैं सिर्फ कला के लिए, अगर मैं चार दीवार के अंदर भी वो कला कर रहा हूँ तो मुझे वो बहुत पसंद आनी चाहिए वो कला, और मैं सेल्फ सेटिस्फाइड होना चाहता हूँ, तो वही मेरे लिए एक्टिंग है। मैं सेल्फ सेटिस्फाई होता हूँ जब एक्टिंग करता हूँ और जब दिल से करता हूँ और जब कैमरा ऑन होता है, तो हाँ काफ़ी कुछ बहुत मज़ा आता है। मैं ट्रैवल में बहुत सीखता हूँ, मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, कैंपिंग ट्रैकिंग, तो जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरे को काफ़ी किरदार मिलते हैं रास्ते में, जैसे कोई सब्जी वाला यूनिक सा मिल जाता है, उसकी बोली की तरीका, तो वो सब चीज़ें मैं बहुत ऑब्जर्व करके लेके फिर मैं वापस मुंबई आके ऐसे एज इन कैमरा में पेश करता हूँ, तो हाँ सीखने को बहुत मिलता है। ABCD में मैं अभी तक ABCD में अटका हूँ, EFG ABCD में सीखा ये कि कैमरा एंगल्स, 3D कैमरा बेसिकली, मुझे ऐसा पूरा सिनेमा बहुत पसंद है, तो मुझे डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा लगता है कि कैसे तरह से करते हैं डायरेक्ट, DOP कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली मैं क्या करता, सब लोग अपना शॉट देके जाते थे वापस वैनिटी में, कोई जा रहा है कोई, मैं वहीं खड़ा रहता था बिहाइंड द कैमरा, ताकि मुझे समझ आए कि कौन सा शॉट कैसे ले रहे हैं, बिहाइंड द शोल्डर क्या होता है, क्लोजअप क्या होता है, वाइट, तो वो सब मुझे और कुछ बहुत सीखने को मिला 3D कैमरा से, बहुत सीखने को मिला। एंड एक्टिंग मैंने, रेमो सर ने मुझे इतनी छूट दी हुई थी कि पूरे डायलॉग मतलब मैंने अपने खुद ही लिखे हैं उसमें, मतलब काफ़ी कुछ मेरा जो डायलॉग है आप देखेंगे मेरी तरीके से है, तो वो मैंने ही सिचुएशन क्रिएट करके लिखा है। सर को बहुत पसंद आया, सर ने मुझे छूट दी कि तुम वैसे ही बोलो।